हेलो। हाँ चुगल्लबा जी। और वैदवा जी कैसी हो? पति देव कैसे हैं? अरे बहन, पति का नाम मत लो, सबसे ज्यादा जिंदगी झंड तो इन पतियों ने कर रखी है। कैसे? अरे है, इन पतियों को भी छोटी मोटी सास घोषित कर दो, ये भी कम ताने थोड़ी ना मारते हैं। तुमसे पूरे दिन काम ही नहीं हुआ, तुम पूरे दिन घर में करती क्या हो, ये भी सास से कम थोड़ी ना है। अरे है, और मेरे तो ऐसा बावला पल्ले पड़ा है, ऐसे अपना सामान का ही नहीं पता। सुबह ऐसा दिमाग का चूरन करेगा ये आदमी, मेरी कमीज कहाँ है, मेरे मोजे कहाँ है, मेरी घड़ी कहाँ है, मेरा टिफिन कहाँ है। अरे बावले, तू रात को लाके रखता है, तुझे नहीं पता कहाँ है। और अगर इससे छोटा मोटा काम बोल दूं कि रुमाल अलमारी में से निकाल लो, अरे पूरी अलमारी बाहर फेंक देगा, गूदड़ बना देगा अलमारी का, ऐसा बावला है। मैं के चली जाऊं ना, मेरा पूरा दिमाग भैया घर पे लगा रहता है, मैं 2-3 दिन से ज्यादा रुकती नहीं हूँ। मैंने कहा उधेड़ के फेंक देगा, पूरा घर जंगल बना देगा। 4 साल हो गए शादी को, अभी तक समझा रही हूँ, जूते बाहर उतार कर आया करो, कमर कमर तक लेकर आएगा, पूरे घर में जूते पहन के घूमेगा, बावला ऊंट हाथ धोकर आएगा, बस तौलिया से नहीं पहुंचेगा, पर्दे से पहुंच लेगा, मेरे दुपट्टे से पहुंच देगा, बेड की चादर से पहुंच देगा, पर्दों से पहुंच देगा, लेकिन तौलिया से ही नहीं पहुंचेगा। अरे ऐसे बावले पत्नियां हैं, मैं तुझे क्या बताऊं, मेरा तो मन करता है इन पर झाड़ू में फेर दूं रख के, लेकिन भैया पाप चढ़ेगा, मार नहीं सकते, गुनाह है पतियों को मारना, मेरा तो बड़ा मन करता है। एक आ गए, अब आते ही खाना चाहिए, पूरे दिन करके आ रही थी, यूं मुझे कैसे ताने मारेंगे, सास से कम थोड़ी ना मेरा वाला भी। चल कर रही हूँ तुझे फोन, फिर करूंगी। अरे चुगल्लो एक बात बता, अरे तेरा पति कितने का पड़ा? 14 लाख रुपए का पड़ा है। बिल्कुल। ओए हाय, 14 लाख, ये गंजा टकला हाफ प्लेट, क्या देखा तेरे घर वालों ने इसमें? बाजी ये लगा लो, किस्मत ही फोड़ दी है मेरी। अब घर वालों ने देखा भाई, क्या कर सकते हैं। और कलेश बाजी, तुम्हारा भी यहाँ कितने का पड़ा? बाजी 23 लाख रुपए का पड़ा। भाई 23 लाख, ये खपच्ची सा खत्म। अरे मैं मुंह दिखाई पे गई देखने, मैं गिरी हूँ दूल्हा कहाँ स्टेज पे, लोग कह रहे हैं दूल्हा तो है, शेरवानी हिला के देखो, अरे हिलाई जब दिखा इतना खत्म। इसके मियाँ को तो पहले नमक डालते हैं, हिलता है ना फिर पता चलता है कि बैठा हुआ है। अरे हाय, तुम पे तो सिपली हुई है बाजी, काला जादू करा के पसंद कराया मियाँ तुमसे। और सुतेमन बाजी, तुम्हारा मियाँ कितने का पड़ा? मेरा बाजी 8 लाख का पड़ा। अरे भैया 8 लाख का, ये काला कलूटा, ये तवे से सर्द लगा के पैदा हुआ, ये तकालिया। अरे मैया री, क्या हो रहा है ये। तुम्हें एक बात बता दूं, आज बहनों सुनो, जैसे हमारे पति है ना, शादी से पहले ऐसे लोगों को तो हम घास भी नहीं डालते थे, आज इनके शादी हुई, इनके साथ रहना पड़ रहा है, ऐसे बुरे बुरों के काले टकले। मैं तो अपने मियाँ के साथ सेल्फी भी नहीं डालती, इतना बुरा है। तो क्या करें भैया, घर वालों ने बांधे, निभाना तो पड़ेगा ही, निभाना तो पड़ेगा बाजी। और ये ऐसे चौड़े होकर घूम रहे हैं, देखो मेरी बीवी इससे फोटो लगाने के चला गया, नाच पीते, इतनी बुरी सी शक्ल का है, इनसे बढ़िया तो बॉयफ्रेंड थे, मुझे साफ बोटी के लाल लाल से थे, बिल्कुल कंचा कंचा भरा दी थी मैं तो। चलो क्या करें बच्चों, जब से बहू आई है मेरी तो जिंदगी झंड हो गई। अरे चाय लिया, घंटा हो गया, कब लाएगी? बिजली गिराने में हूँ आई, नाम है मेरा पति दबाजी। लो सासू मां चाय पियो। बिल्कुल ठंडी चाय, तुझसे तो एक भी काम ढंग से नहीं होता। अरे बुढ़िया, तूने कैसे दिमाग का चूरन कर रखा, हर बात में कमी निकाली, आज किचन में तेरे मुंह में छानू, खोलती भी चाय तेरे मुंह में छानू। अरे जा, तेरे मुंह खोल लगे, तुझसे अब तक एक लड़का तो दिया ना गया, 3-3 लड़किया पैदा करती मनुष्य कह के। ओए सासू मां, मेरी बच्चियों के बारे में कुछ मत बोलिए, उन्हें टांग पे टांग रख के बीच में से फाड़ दूंगी। और एक बात बता, तू लड़के करेगी क्या बुढ़िया? लड़का आएगा, मेरा वंश आगे बढ़ाएगा, मैं अपनी प्रॉपर्टीज के नाम करूंगी। अबे तो बुढ़िया, ये 3-3 बेटियां भी तो तेरे बेटे ने ही पैदा करी है, मैं अपने घर से लेकर आई थी, इनके नाम करते प्रॉपर्टी, तेरा कलेजा फट रहा है। और एक बात बता, तुम उन्हीं लड़कों से ठीक रहती हो तो तुम्हें वृद्ध आश्रम छोड़कर आ जाते हैं ना, और फिर शादी के बाद अपनी बीवी के पल्लू में बैठे रहते हैं, फिर रोगी है मेरा लड़का तो शादी के बाद बिल्कुल बदल गया, फलाना हो गया। तभी किसी लड़की को देखा अपने माँ बाप को वृद्ध आश्रम छोड़कर आते हैं, कैसी मदद करती है, कैसी उनके आगे पीछे घूमती रहती है अपने माँ बाप को, जब भी बदले लड़के ही बदले, जब भी तुम्हें लंबे चाहिए बुढ़े बुढ़िया। और एक बात बता, तू भी तो लड़की थी ना, जब तू पैदा हुई तुझे पता चला मैं लड़की हूँ, तो तू जहर खा के क्यों नहीं मर गई? क्यों नहीं मर गई बुढ़िया? लड़कियों से इतनी जलन रख रखी है, तू खुद भी तो लड़की है। एक बात बता रही हूँ, मुझे मिट्टी का तेल नहीं मिल गया, बस जिस दिन मिल गया उस दिन बताऊंगी, ढूंढ रही हूँ पूरे घर में मिट्टी का तेल नहीं मिल रहा बुढ़िया, तेरे कंटा खत्म करूंगी, बस मुझे मिट्टी का तेल मिल गया, मिल गया बस मिट्टी का तेल। अरे तुम मुझे कमेंट में बताओ ये मिट्टी का तेल का क्या करेगी बहन, मिट्टी का तेल की ढूंढ रही है। हेलो। हाँ चुगल्लबा जी। और वैदवा जी कैसी हो? पति देव कैसे हैं? अरे बहन, पति का नाम मत लो, सबसे ज्यादा जिंदगी झंड तो इन पतियों ने कर रखी है। कैसे? है इन पतियों को भी छोटी मोटी सास घोषित कर दो, ये भी कम ताने थोड़ी ना मारते हैं, तुमसे पूरे दिन काम ही नहीं हुआ, तुम पूरे दिन घर में करती क्या हो, ये भी सास से कम थोड़ी ना है। अरे है, और मेरे तो ऐसा बावला पल्ले पड़ा है, ऐसे अपना सामान का ही नहीं पता। सुबह ऐसा दिमाग का चूरन करेगा ये आदमी, मेरी कमीज कहाँ है, मेरे मोजे कहाँ है, मेरी घड़ी कहाँ है, मेरा टिफिन कहाँ है। अरे बावले, तू रात को लाके रखता है, तुझे नहीं पता कहाँ है। और अगर इससे छोटा मोटा काम बोल दूं कि रुमाल अलमारी में से निकाल लो, अरे पूरी अलमारी बाहर फेंक देगा, गूदड़ बना देगा अलमारी का, ऐसा बावला है। मैं के चली जाऊं ना, मेरा पूरा दिमाग भैया घर पे लगा रहता है, मैं 2-3 दिन से ज्यादा रुकती नहीं हूँ। मैंने कहा उधेड़ के फेंक देगा, पूरा घर जंगल बना देगा।
चार साल हो गए शादी को, अभी तक समझा रही हूँ जूते बाहर उतार कर आया करो, कमर कमर तक लेकर आएगा, पूरे घर में जूते पहन के घूमेगा, बावला ऊंट हाथ धोकर आएगा, बस तौलिया से नहीं पहुंचेगा, पर्दे से पहुंच लेगा, मेरे दुपट्टे से पहुंच देगा, बेड की चादर से पहुंच देगा, पर्दों से पहुंच देगा, लेकिन तौलिया से ही नहीं पहुंचेगा। अरे ऐसे बावले पत्नियां हैं, मैं तुझे क्या बताऊं, मेरा तो मन करता है इन पे झाड़ू में फेर दूं रख के, लेकिन भैया पाप चढ़ेगा, मार नहीं सकते, गुनाह है पतियों को मारना, मेरा तो बड़ा मन करता है। एक आ गए, अब आते ही खाना चाहिए, पूरे दिन करके आ रही थी, यूं है, देख कैसे ताने मारेंगे, सास से कम थोड़ी ना मेरा वाला भी, चल कर रही हूँ तुझे गुना है, फिर करूंगी।